हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो हाउ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेनाड्रिल के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसकी यूजेस क्या क्या है, इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, इसको हम यूज कैसे करना है और प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेनाड्रिल कफ सिरप है, अगर हम इसे 5 ml को लें तो इसके अंदर डायफेनहाइड्रामीन है जो कि 14.08 mg में अवेलेबल है। अमोनियम क्लोराइड होता है इसके अंदर 138 mg में, सोडियम सिट्रेट होता है 5.03 mg में एंड इथेनॉल होता है 0.2625 ml में। नाउ अब मैं सिरप की यूजेस बताऊंगा जो बेनाड्रिल है किस किस चीजों में यूज आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको खांसी है, काफी ज्यादा खांसी है, तो आप इसको एज अ कफ रिलीफर यूज कर सकते हैं। या फिर आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस अगर हम कहें कि ये जो पीएच होता है हमारे टिश्यू का, ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, तो उस केसेस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका क्लोराइड आयन लेस हो गया हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी अवेलेबल है। और अगर आपको मामूली सा कोई पेन है शोल्डर वगैरह में या कोई ज्वाइंट में, तो भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी, किडनी स्टोन, कोल्ड, रनिंग नोज, टेम्पररी रिलीविंग माइनर पेन, इन सब में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जनरली इसके साइड इफेक्ट्स होते नहीं हैं, बट इन केस अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स या साइन शो करें तो एक बार आप अपने जरूर डॉक्टर से या फार्मेसिस्ट से कंसल्ट करें। जो जनरली साइड इफेक्ट्स देखा गया है वो है रैशेज, फीवर, इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकता है, सांस का थोड़ा इरेगुलेशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब आपका थोड़ा हार्ट बीट वो थोड़ा स्लो हो सकता है, ड्रॉजीनेस, थोड़ी नींद जैसा आपको महसूस होता है। दोस्तों, आप इन साइड इफेक्ट से घबराएं ना, ये बहुत ही माइनर होते हैं ये, और इन मोस्ट केसेस ये होते ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अब मैं इसको यूजेस के बारे में बताऊंगा, इसको हमें यूज कैसे करना है। तो अलग अलग फैक्टर्स के लिए अलग अलग डोजेज होते हैं इसके। जैसे कि अगर 2 to 5 ईयर्स का है कोई, तो उसे 2.5 ml लेना है, मतलब लगभग आधा चम्मच लेना है। या फिर 6 से 12 साल के जो बीच में है उनको 5 ml लेना है, और जो 12 और 12 से एवव ईयर्स के हैं उसको उनको 10 ml लेना है। जो डोज होता है हम जनरली इसको 2 या 3 टाइम्स ले सकते हैं, और इवन 4 टाइम्स भी ले सकते हैं इसको। नाउ हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए रिगार्डिंग दिस सिरप। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई प्रेगनेंसी है किसी प्रकार की, तो एक बार लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। या फिर कोई आप हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कोई विटामिन कैप्सूल्स वगैरह खा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से पूछ लें, उसके बाद इस सिरप का यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई अदर मेडिसिन खा रहे हैं आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैच कर जाते हैं दूसरी दवाई से, तो वो ओवरडोज हो सकता है, तो एक बार लेने से पहले एक बार जरूर डॉक्टर को बता दें। इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग है तो भी एक बार सलाह लें डॉक्टर से, उसके बाद ही इस सिरप का यूज़ करें। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि मैंने आपको ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स बताए बेनाड्रिल के, अगर आप इस इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो प्लीज़ आप इस सिरप को यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपको लॉस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी हमें ड्रग्स नहीं लेना एक्स्ट्रा, या कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज नहीं करना है रिगार्डिंग दिस सिरप। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपको ऐसा डाउट तो आपको लगे इस वीडियो के रिलेटेड या इस सिरप के रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।